हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू चैनल लग्री पीडिया आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लस्टर बीन कल्टीवेशन सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं सो बोटेनिकल नेम ऑफ क्लस्टर बीन इज साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा फैमिली क्लस्टर बीन की होती है लेगमोसी क्रोमोजोम नंबर होता है ओरिजिन प्लेस ऑफ क्लस्टर बीन इज क्लस्टरबीन वेस्टर्न अफ्रीका और इंडिया द पर्पज फॉर क्लस्टर बीन कल्टिवेशन इज फॉर्डर या फॉरेस्ट क्रॉप के लिए ग्रो की जाती हैं बीन को कॉमनली गुआर के नेम से भी जाना जाता है देन द इम्पॉर्टेंस की बात करें सो यूज एज अ वेजिटेबल एट टेंडर स्टेज सो टेंडर स्टेज में से वेजिटेबल की तरह यूज़ किया जाएगा दे डिहाइड्रेटेड एंड स्टोर फॉर यूज इन्हें डिहाइड्रेट कर दिया जाता है और स्टोर किया जाता है फॉर द फर्दर पर्पज़ के लिए आगे के लिए फ्लोर आर यूज फॉर मेकिंग गम जो इसका फ्लोर होता है वो गम मेकिंग के लिए यूज होता है यूज इन टेक्सटाइल प्रॉपर पेपर कॉस्मेटिक एज ग्रीन मेन्यल्सो यूज एज सॉयल इम्प्रूवमेंट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयरन सो ये इसका इंपॉर्टेंस है एरियन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो इनवर्ड चाइना यू एस ए और इंडिया में होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया है जहाँ पर ये ग्रो किया जाता है और अगर इंडिया की बात कर लें तो राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा यूपी में इसका कल्टिवेशन ज़्यादा अमाउंट में होता है देन सॉइल की बात करें जो इसके लिए प्रीफर्ड है सो सैंडी लोम एंड वेल ट्रेंड अपलैंट सॉइल डोंट ग्रो इन वेरी हैवी वाटर लॉर्ज सॉयल मीनस वेरी हैवी वाटर लॉर्ज सॉयल इसके लिए प्रेफरेबल नहीं है इसके कल्टिवेशन के लिए और पी जो होना चाहिए वो सेवन टू एट पॉइंट फाइव पी में ये बेस्ट ग्रोन की जाती है एंड क्लाइमेट देखते हैं सो so क्लाइमेट में ट्रॉपिकल क्रॉप है ये तो वार्म क्लाइमेट और हाई टॉलरेशन ऑफ टेम्परेचर होता है इसमें सो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकती है ऑल्सो डॉट एंड एल्कलाइंस ऑयल में ग्रो की जा सकती है सो लो प्रेसिपिटेशन हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड लॉन्ग डे फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड शॉर्ट डे कंडीशन फॉर फ्लावरिंग में नीडेड होता है प्लांटिंग देखें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मेशन इस थर्टी डिग्री सेंटिग्रेड थर्टी डिग्री सेंटिग्रेटेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है जर्मेशन के लिए इसके और सोइंग टाइम देखें तो जून टू तो जुलाई अर्ली क्रॉप जो शो की जा सकती वो है वो फेब्रवरी टू मार्च है स्पेसिंग देखते हैं तो 45 सेंटीमीटर इंटू सिक्सटी सेंटीमीटर मीन्स 45 फाइव टू सिक्सटी सेंटीमीटर इंटू फिफ्टी सेंटीमटर मीन्स रो टू रो 45 फाइव टू सिक्सटी सेंटीमीटर प्लान टू प्लान डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए सीड रेट की बात करें तो 25 टू 30 के पर हेक्टेयर एट 1.5 इंच डेप्थ में सीड रेट मीन्स सीड शो करना चाहिए शोइंग मैथड तो इसका ब्रॉडकास्टिंग मैथड मीन्स तो छिड़काव करना चाहिए हमें बीच का सही ट्रीटमेंट इसका सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं विथ ट्राइकोडर्मा फोर के जी फोर ग्राम पर के जी और इनागरेटेड विथ सीटल राइजोबियम कल्चर सिक्स हंड्रेड ग्राम पर फाइव के जी ऑफ सीड वरायटीज़ देख लेते हैं तो वैराटीज़ में गुआर एटी है मारू गोवार है देन बुंदेल ग्वार है गोार क्रांति है पूसा नौ बहार है पूछा सदा बहार एच जी सेवेंटी फाइव यू एस की कुछ वरायटीज़ हैं क्लस्टरबीन की गोमा मंजरी जो एक वैराइटी है इसकी मां मंजरी जो वैरायटी है वो रेजिस्टेंट है पाउडर मिलडिव के लिए और पूसा मौसमी जो वैरायटी है वो स्टेबल फॉर रेनी सीजन डेंस ब्रांच ये वैरायटी है क्लस्टर बीन की देन फर्टिलाइज़र डोजेस देख लें तो एफ आई एम ट्वेंटी फाइव टन पर हेक्टेयर अप्लाई करना चाहिए फील्ड में देन एन का रेशियो जो है फिफ्टी रेशियो सिक्सटीज टू सिक्सटी रेशियो होना चाहिए मीन फिफ्टी के नाइट्रोजन सिक्सटी के जी फॉसफोरस एंड सिक्सटी के जी पोटाश पर हेक्टेयर में एप्लीकेशन इसका करना चाहिए हाफ़ नाइट्रोजन एंड फुल पोटेशियम फास्फोरस एंड पोटेशियम आर अप्लाइड बेसल डोज मींस स्टार्टिंग में जो हम डोज देंगे उसमें आधा नाइट्रोजन का डोज होना चाहिए और पूरा पूरा डोज फास्फोरस और पोटेशियम का देंगे और जो आधा मींस रिमेनिंग जो नाइट्रोजन है वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज के बाद हम उसमें अप्लाई करेंगे क्रॉप में इिगेशन देख लें तो इरिगेशन जितना ज़्यादा देंगे तो ये हाई येल्डिंग क्रॉप है सो इरिगेशन एट फ्लावरिंग फ्रूट स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज में मोस्ट क्रिटिकल होता है सो so, जो इरिगेशन है वो फाइव डेज इंटरवल में हमें देते रहना चाहिए इसमें वीडिंग देखें कि वीडिंग कैसे कर सकते हैं इसमें सो बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोइंग रेट ऑफ यंग ग्वार जो यंग ग्वार होता, होता है उसका स्लो ग्रोइंग रेट होता है प्लांट्स इट्स इंपॉर्टेंट वीडिंग इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए अदरवाइज मींस जो बीड्स हैं वो उसका पूरा न्यूट्रेंट एबजॉर्व कर लेंगे और जो मेन प्लांट हमारा है ग्वार प्लांट है वो अफेक्टेड होगा सो पार्थीय पारथीनियम स्प्रे टू फोर डी और हैंड वीडिंग इज डन जनरली ये इनमें से हम कोई कर सकते हैं हार्वेस्टिंग जो है हार्वेस्टिंग वो सिक्सटी टू नाइन्टी डेज में कम्प्लीटेड एंड रेडी एंड ग्रीन पॉट्स कैन बी ब्रोकन फ्रॉम प्लांट बाई ट्विस्टिंग और कटिंग ग्रीन पॉट्स कैन बी पिक्ड टिल अ पीरियड ऑफ टाइम मीन सिक्सटी टू नाइन्टीन डेज में इसमें जो इसके पॉट्स वगैरह हो हैं होते हैं वो कटिंग इसकी कर लेनी चाहिए देन इट इज़ कल्टिवेटेड फॉर ग्रीन मेन्योर पर्पज़ ये ग्रीन मेन्योर पर्पज़ के लिए भी इसका कल्टिवेशन किया जाता है इट कैन बी प्लोड एज सोन एज पॉट्स आर डेवलप जैसे ही पॉट्स डेवलप कर, कर लिए जाएँ वैसे इसका कटिंग हमको कर लेना चाहिए यील्ड की बात करें यील्ड अगर देखें तो समर सीजन में टेन टू ट्वेल्व क्विंटल पर हेक्टेयर होता है इरिगेटेड कंडीशंस में और रेनफेड कंडीशंस में सेवन टू एट क्विंटल पर हेक्टेयर होता है जो कि वैरी कर सकता है ट्वेल्व टू फिफ्टीन क्विंटल पर हेक्टेयर तक अब इसकी डिजीजेज बिन की हैं सो फर्स्ट डिजीज इज बैक्टीरियल ब्लाइट जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम जेंथोमोनास डिजीज इन्फेस्टेशन मोस्टली अकर्ड ड्यूरिंग खरीफ सीजन एट सर्फेस ऑफ लीफ द स्पॉट्स ऑफ द इंटर वेनियल राउंड एंड वेल डिफाइंड और डॉर्शल सर्फेस ऑफ द लीफ सो ये डिजीज इन्फेस्टेशन जो है वो खरीफ सीजन में होता है और सरफेस ऑफ द लीवस में जो लीव्स के सरफेस है उसमें स्पॉट्स होंगे और इंटरवीनियल जो होंगे इंटर बीन के अराउंड वहाँ पर राउंड और वेल डिफाइंड ऑर्शल सेप ऑफ द लीव मीन्स वहाँ पर ये स्पॉट्स बनेंगे इंसेक्ट्स की बात करें तो इसमें जैसिड एफिड और वाइट फ्लाई जैसे कुछ कॉमन इंसेक्ट्स लगते हैं सो दिस वॉज इन टूडेज वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स